Welcome to the physics class. Today we are going to discuss the Newton's second law of motion. Second law of motion. Okay. In the previous lectures we have studied the first law of motion and also the term momentum already we have discussed. Let us now again revise the topic momentum. What is momentum of a body? Momentum means mass into velocity of a body. Mass of the body and velocity of the body, it means with which velocity the body is moving, multiplied with by mass of the body, then we will get the momentum. Now you will look at here, momentum kaise change hoga. Momentum do terms pe depend karta hai, that is mass and velocity. Agar body ka mass change ho jaye to velocity uska momentum change ho jayega. It means mass ke liye change ho jayega to momentum change hoga, obvious baat hai. Agar velocity change ho jaye body ki तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा. बॉडी का मास चेंज नहीं होता, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की विच डजंट चेंज. मास ऑफ अ बॉडी नेवर चेंजेस, बट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज. और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. तो इट मीन्स अगर आप फोर्स लगाओ, फोर्स लगा के बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. अच्छा, वेलोसिटी चेंज होगी तो इट मीन्स बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया. अब जितनी ज्यादा, मान लीजिए पहले वेलोसिटी है 2, फोर्स आपने थोड़ा बहुत लगाया, वेलोसिटी होगी 4, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. मान लीजिए मास है 5 और वेलोसिटी है 2, तो मोमेंटम कितना हुआ? 10. आपने फोर्स लगाया, वेलोसिटी 4 होगी, मास चेंज नहीं होता, तो मोमेंटम कितना होगा? 20. इट मीन्स आप मान लो थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हो तो थोड़ी बहुत वेलोसिटी चेंज होगी. अगर ज्यादा फोर्स लगाते हो तो मान लो 2 था और बहुत ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया और वेलोसिटी होगी 10, तो मोमेंटम कितना हो गया? 50. इट मीन जितना ज्यादा आप फोर्स लगा रहे हो उतनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होती है बॉडी की, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा. इट मीन्स कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करेगा फोर्स पे. यहाँ अगर 1 सेकंड में मान लो कम फोर्स लगाया तो 2 वेलोसिटी चेंज हुई, तो इधर 10 मोमेंटम चेंज हुआ है. अगर उसी 1 सेकंड में ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उसी 1 सेकंड में 40 मोमेंटम चेंज हो गया. इट मीन्स कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन फोर्स. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to force. Rate of change of momentum of a body is directly proportional to फोर्स. की जितना ज़्यादा फोर्स है उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा. जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम क्या होगा? चेंज. ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Force is directly proportional to rate of change of momentum. Okay? तो rate of change of momentum का क्या मतलब है? Rate of change of momentum का यह मतलब है कि change in momentum per unit time taken. Change in momentum per unit time टेकन, कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है और उसको चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है.
ओके दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। यहाँ रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का मतलब ये है भी कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाओगे यहाँ ड्रैग मोशन का मतलब उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। ओके अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यहाँ फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम ये ले सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके डिवाइड बाय टाइम टेकन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय में टाइम टेकन। ओके चेंज मोमेंटम मतलब जितना फाइनल चेंज होने के बाद, मान लो ये फाइनल हो गया ये इनिशियल था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे चेंज मोमेंटम आ जाएगा, और कितना टाइम लगा मान लो 1 सेकंड है 2 सेकंड है तो वो टाइम से डिवाइड कर दो यू विल गेट दी फोर्स। ओके अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ फोर्स का सिंबल एफ प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज कर दिया, ओके यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगेगा कॉन्स्टेंट को क्या लिख दिया, जब हम प्रोपोर्शनल के साइन हटा के इक्वलिटी में चेंज करते हैं उसको राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट लगेगा, बस इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होती है, बट इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1, जो हम इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे नहीं 1 लिख देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यू होता है और एक वी होता है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी और वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी और वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम अगर आपने निकाला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है मास इनटू वेलोसिटी, मास तो एम रहेगा ही रहेगा, अगर आप वेलोसिटी फाइनल ले लेते हो तो मोमेंटम भी फाइनल, और वेलोसिटी इनिशियल ले लेते हो तो मोमेंटम भी इनिशियल, वेलोसिटी अगर आप फाइनल लेते हो तो मोमेंटम भी फाइनल, वेलोसिटी इनिशियल ले लेते हो तो मोमेंटम भी इनिशियल ही आएगा। सो फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास एम, फाइनल मोमेंटम निकालना तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज एम वी, और इनिशियल मोमेंटम निकालना तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी करते हो तो फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी करते हो तो इनिशियल मोमेंटम बाय में टाइम। ओके तो अगर हम इसको कॉमन ले हम कॉमन आएगा वी माइनस यू बाय टी, क्या बचा वी माइनस यू बाय में टी, बट अगर आप फर्स्ट चैप्टर में बात करो तो v माइनस यू बाई टी जो था वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, वो फॉर्मूला किसका था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया v माइनस यू बाई टी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो यहाँ a भी बन सकता है, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया एम ए, फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया एम ए, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट मीन्स फोर्स अगर आपने कैलकुलेट करने भी किस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है तो आपको बॉडी का मास पता होना चाहिए, और बॉडी फोर्स लगाने के बाद कितनी एक्सेलेशन उसमें आ गया, अगर एक्सेलेशन मास आपको पता है तो यू विल गेट दी फोर्स, यू विल गेट दी अमाउंट ऑफ फोर्स। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लुक एट अगेन वट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डिपेंड करेगा फोर्स में, तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वेशन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम टेकन, मतलब कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। अब फाइनल मोमेंटम मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर आप फाइनल लिखते हो तो मोमेंटम भी फाइनल होगा, वेलोसिटी इनिशियल लिखते हो तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा, तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अगर आपने निकालना है तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम बाय में टाइम, एम कॉमन वी माइनस यू बाय टी, तो वी माइनस यू बाय टी दैट इज एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स। सो फोर्स का फॉर्मूला बन गया एफ इजिकल टू एम ए, अगर आपको डेरिवेशन करने के लिए कहा जाए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की दिस इज द डेरिवेशन। अब हम चलते हैं यूनिट्स पे, क्योंकि इसकी क्या यूनिट ली जाएगी,
फोर्स जो है इसकी एस आई यूनिट होती है न्यूटन, और सिंबल इसका होता है कैपिटल एन। मास की किलोग्राम होती है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर आपके पास 1 किलोग्राम बॉडी है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई, इट मीन्स आपका अप्लाई किया हुआ फोर्स 1 न्यूटन है। तो आपने 1 न्यूटन फोर्स कब लगाया? इट मीन्स अगर आपके पास 1 किलोग्राम की बॉडी है, आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने से उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई, इट मीन्स आपने जो फोर्स लगाया था वो 1 न्यूटन का फोर्स था। न्यूटन इज दी एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज दी एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, सो दिस वॉज द टॉपिक, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्रिपेयर नोट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड सेंड द पिक्स टू माई पर्सनल व्हाट्सएप वॉल। टिल देन हैव थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।